वेलकम बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू आपके और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए। तो मैं आपसे लास्ट इंटीग्रेशन में मिला था। मेरा नाम अनिमेश है, मैं खुद आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ और बीएमसी से ही पढ़ा था काफ़ी सालों पहले। तो बच्चों, आज हम सर्कल के बारे में जानेंगे। तो सर्कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओवरऑल एक आसान सा टॉपिक माना जाता है। सर्कल भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट होने की वजह से आसान ही है। तो होता क्या है सर्कल जैसे चैप्टर्स में, जैसे कि अभी आप ने परसों कॉनिक पढ़ा होगा, तो होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हमें कुछ सेट ऑफ फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर हमें कुछ सेट ऑफ फॉर्मूले याद है ना, तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो बेसिक्स पे अगर हमारी कमांड है ना, और हमने थोड़े से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन हो जाते हैं। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी अल्जेब्रा टाइप से इस इन टॉपिक्स में नहीं होती है। चलिए हम काम पे लगते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम सर्कल की इक्वेशंस के बारे में जान लेते हैं। सर्कल्स इक्वेशंस के बारे में जान लेते हैं कि सर्कल की जो इक्वेशंस होती है ना, वो किस किस टाइप की होती है। तो एक तो ऐसे सर्कल डायग्राम से देखो, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चैप्टर्स में ना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बना लोगे ना तो काफी काम वैसे ही हो जाता है। तो वैसे सारे सर्कल्स की इक्वेशन जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और जिनका रेडियस आर है, वैसे सारे सर्कल्स की इक्वेशन जिनका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और जिनका रेडियस आर है, इनकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छे से इन बातों को आप याद कर लीजिए, मेमोराइजेशन बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको बच्चों बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब एक जनरल फॉर्म भी होता है, अगर आप इसको पूरा एक्सपैंड कर देंगे, अगर बच्चों आप इसे पूरा एक्सपैंड कर देंगे, तो आपके एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, एक वाई स्क्वायर की टर्म आएगी, कुछ एक्स की टर्म आएगी, कुछ वाई की टर्म आएगी, कुछ कांस्टेंट आएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहां से भी आप सर्कल के सेंटर के बारे में बता सकते हैं। सर्कल का जो सेंटर होता है ना, वो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, और सर्कल का जो रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। बहुत ही आसान है इस बात को बताना। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर वन जो लिखी हुई है और इक्वेशन नंबर टू लिखी है, इनको बस कंपेयर कर लोगे ना बच्चों आप, तो आपको जी और एफ का रिलेशन मिल जाएगा अल्फा बीटा से। वो करने की हमें जरूरत नहीं स्टेज पे, करना चाहो तो आप कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर वन लिखिए, इक्वेशन नंबर टू लिखिए, दोनों का आपस एक कंपेयर कर लीजिए, जरूरत नहीं है करने की, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, राइट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि सर्कल की इक्वेशन हो सकने के लिए, सर्कल की इक्वेशन हो सकने के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्वेश्चन सेम होना जरूरी है। वन ना भी हो तो चलेगा। अगर आप बोलना चाहते हैं कि सर्कल की इक्वेशन है तो भैया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्वेश्चन सेम तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका क्वेश्चन वन होना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं बच्चों, तो इनका जो कोफिशियंट है ना वो वन होना चाहिए, तभी ये सब फॉर्मूला आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी सर्कल की जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस आर है। जनरल फॉर्म होगी कि कोई भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई कॉन्स्टेंट में कोई रिलेशन है तो आप उसे सर्कल बोल सकते हैं। कब? जब उसका सेंटर ऐसे कुछ आ जाए और रेडियस ऐसा कुछ आ जाए। ऑब्वियस है, देखो रेडियस में अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन, आप इतने मैच्योर हो चुके हो, आप समझ सकते हो कि रूट के अंदर अगर एक्सप्रेशन है ना तो वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव नहीं है तो आप उसे सर्कल नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में सिंपल फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये जो फॉर्म लिखी है ना उसको जनरल फॉर्म बोल दो। ये जो फॉर्म लिखी है बच्चों, आप उसे जनरल फॉर्म बोल दो, ठीक है। ये जो फॉर्म आपने लिखी है उसको जनरल फॉर्म बोल दो। जब एक सिंपल फॉर्म है, अगर सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर 0,0 ओरिजिन पे आ गया और रेडियस को ए बोल दिया आपने, तो सर्कल की जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर वन को देखिए, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। सर्कल की जो इक्वेशन है ना बच्चों, इक्वेशन नंबर वन को देख लीजिए, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वैसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और जिसका रेडियस ए है, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, राइट। तो आप याद कर लेंगे इन तीनों इक्वेशंस को तो काफी काम आपका हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल्स के, ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का बेसिक था। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल का बेसिक था ये तो आप समझ आ गया आपको। अब हम देखना चाहते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल के कुछ स्पेशल फॉर्म्स कितने कैसे दिखेंगे। तो जो मेंस का सिलेबस है ना, वो ज्यादा कुछ वास्ट है नहीं। सर्कल में सर्कल के बारे में बेसिक सी इक्वेशन आनी चाहिए, लाइन सर्कल का कनेक्शन आना चाहिए, टेंजेंट मोटा मोटा आना चाहिए। लेकिन यार अब देखो, इतने स्ट्रेट जैकेट मैथ्स में नहीं होता है, काफी और टॉपिक्स हैं जो कि
डायरेक्टली मेंशन नहीं है, फिर भी उसके क्वेश्चन लेफ्ट राइट करके एग्जाम में आते रहते हैं, तो थोड़ा सा बियॉन्ड पढ़ना बेनिफिशियल होता है। और एनीवेज अभी मेंस के लिए पढ़ रहे हो, बाद में एडवांस के लिए पढ़ोगे तो थोड़ा सा बियॉन्ड भी पढ़ोगे तो आगे तो काम आ ही जाएगा ना वैसे भी, क्योंकि आपके आपकी जर्नी यहाँ तो एंड होगी नहीं, आई एम श्योर आगे का तो इस बार आप कर ही रहोगे। तो बच्चों स्पेशल फॉर्म्स भी देख लेते हैं। अब मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें मेमोराइज नहीं कराऊंगा, मैं आपको जस्ट गाइड करूंगा कि कैसे आप डायग्राम बना बनाकर खुद अपनी इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं, राइट। डायग्राम बना बनाकर खुद अपनी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं बच्चों। तो एक स्पेशल फॉर्म्स में अगर आप चाहते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल्स जो ओरिजिन से पास करते हैं, सर्कल्स जो कि ओरिजिन से पास करते हैं, माइंड इट जो सिंपल सर्कल था उसका सेंटर ओरिजिन था, अब हम बात करें उन सर्कल्स की जो ओरिजिन से पास करते हैं। अगर सर्कल ओरिजिन से पास करता है तो इस तरीके का होगा। और जो सर्कल की जनरल फॉर्म है दोस्तों, ये देखिए सर्कल की जो जनरल फॉर्म है, मतलब इसको 0,0 सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड इक्वेशन दिख रही है ना सभी को, जो 0,0 है, 0,0 उसको अब सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम उन सर्कल्स की बात करें, अब हम उन सर्कल्स की बात करें जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। अगर 0,0 से सेटिस्फाई करेगा तो उसकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। सी उसमें नहीं होगा, किन सर्कल्स में, जो सर्कल्स ओरिजिन से पास करते हैं, ठीक है। अब इसी डायग्राम में, इसी डायग्राम में एक दूसरा वेरियंट आप देख लो, इसी डायग्राम में एक दूसरा वेरियंट देखो बच्चों आप। वैसे सारे सर्कल्स की हम बात करें जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं और जिसका जो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है ना, वो ऐसे गिवन है, 1,0,0,b, 1,0,0,b। तो इन सर्कल्स की ना आप डायरेक्ट इक्वेशन याद करिए, बहुत हैंडी होता है। इनकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि हमने इंटीग्रेशन में किया था और जैसे कि बाकी टीचर्स भी कर रहे हैं कि हम थोड़ी सी थ्योरी देख रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे आएंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग के तरीके से थोड़ी मोड़ी और थ्योरी जो बीच में इन्वॉल्व होगी वो हम देख लेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि कंप्लीशन की आपको फीलिंग देना। एग्जामिनेशन में जब आप बच्चों जाओगे ना, तो एक बार आप बोल सकते हो कि मैंने सर्कल का जो क्रक्स है ना वो लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लिया है, मेनली जो आते क्वेश्चन है उनके मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं। तो यकीन मानो क्वेश्चन एग्जाम में आराम से कन्वर्ट हो जाता है। मेंस जैसे एग्जाम में जिसमें ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें आराम से कॉन्फिडेंटली बिहेव करोगे और पीछे की तैयारी आपने थोड़ी बहुत भी कर रखी है तो एग्जाम में मैनेज हो जाता है। ये ट्रिक एडवांस में इतनी काम नहीं करती, एडवांस में तैयारी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के जो क्वेश्चन आता है बहुत डेप्थ का आता है, लेकिन मेंस का क्वेश्चन डेप्थ का नहीं आता है। तो कंप्लीशन की फीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है मेंस में, क्योंकि स्पीड भी मैटर करता है यहाँ पर, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, राइट। तो ये जो सेकंड फिगर में दिख रही है आपको सर्कल, इनकी इक्वेशन इस टाइप की होगी। इसका सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर देखिए ना, जो फॉर्मूला आपने जनरल सर्कल के लिए लिखा था, क्या लिखा था दिखाऊं फिर से, याद ही होगा आपको, बहुत सिंपल सी बात है। सेंटर कैसे निकलता है बच्चों, सेकंड इक्वेशन को फिर से देखिए कि सर्कल की जो एक्स के क्वेश्चन है उसको आधा करना होता है और माइनस लगाना होता है, वाई के क्वेश्चन को आधा करना होता है माइनस लगाना होता है। तो यहां पर भी आप अगर वही हरकत करेंगे, यहां पर भी बच्चों वही हरकत करेंगे, एक्स क्वेश्चन को आधा करेंगे माइनस एन लगा देंगे, वाई क्वेश्चन को आधा करेंगे माइनस एन लगा देंगे, तो आपका ये सेंटर हो जाएगा, राइट। ठीक है, आपका ये सेंटर हो जाएगा, राइट। तो अभी स्पेशल फॉर्म्स में एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, इस पिक्चर के पीछे के छिप होगा, ये आपके स्पेशल फॉर्म्स दो आपने लिखे हैं, वैसे सर्कल जो ओरिजिन से पास करते हैं, वैसे सर्कल जिनका एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, ठीक है। मैं फिर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मैं आपको ज्यादा मेमोराइज इसमें नहीं कराने पे फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसा भी सर्कल आए ना तो आप फिगर बना लो, और ऊपर के फंडामेंटल्स अगर आपको क्लियर है ना बच्चों, तो आप आराम से नई सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़े तो अब हम उन सर्कल्स की बात करते हैं जिनका सेंटर एक्स एक्सिस पे होता है। अब हम उन सर्कल्स की बात करें बच्चों जिनका सेंटर जो है ना वो एक्स एक्सिस पर होता है। तो सर्कल का सेंटर अगर एक्स एक्सिस पर होगा तो सर्कल का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। सर्कल का डायग्राम अगर ऐसा बन जाएगा तो सर्कल का जो सेंटर है वो कुछ अल्फा कॉमा जीरो की तरह बोला जाएगा और रेडियस कुछ आर होगा। हमें नहीं पता रेडियस एग्जैक्टली क्या होगा, तो बच्चों इसकी इक्वेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कम्स आउट इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अगला टास्क आप पे छोड़ता हूं बच्चों कि अगर सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे होगा तो स्मार्ट बच्चे हो आप, आपको
डायग्राम बना के फिगर आउट कर सकते हैं कि उसकी इक्वेशन कैसी होगी। इजी चीजें, इससे ज्यादा टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे सर्कल्स की बात कर रहे हैं कि जो सर्कल्स टच करते हैं वाई एक्सिस को ओरिजिन पर। ऐसे सारे सर्कल्स जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करते हैं, देखते हैं पहले फिगर बना के किन सर्कल्स की बात हो रही है। वैसे सारे सर्कल्स जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पर टच करते हैं बच्चों, तो इसमें सेंटर अगर अल्फा कॉमा जीरो होगा तो जो रेडियस है वो भी अल्फा ही होगा। रेडियस को रैंडम नंबर नहीं हो सकता। अब तो जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो हो जाएगी एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या टास्क देने जा रहा हूं आपको। आपको फाइंड करना है ऐसे सारे सर्कल्स जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं। डायग्राम बनाइए और इसका भी आंसर लिख सकते हो आप, जैसे कि हमने फिफ्थ में अभी भी लिखा था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसे सारे सर्कल देखना चाहते हैं जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। अब हम ऐसे सारे सर्कल देखना चाहते हैं बच्चों जो कि दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। ठीक है, तो जरा डायग्राम बनाकर देखने की कोशिश करिए कि कैसा सर्कल बनेगा। एक सर्कल ऐसा बन सकता है जिसका सेंटर r कॉमा आर बोल दो बच्चों, तो रेडियस भी r होगा। डायग्राम से आप पता लगा सकते हैं ना कि सेंटर अगर 2.2 है तो रेडियस भी 2 है, सेंटर अगर 3.3 है तो रेडियस भी 3 है। फिर ऐसा सर्कल अगर मान लो इधर से टच कर रहा होगा तो उसका जो सेंटर है वो माइनस आर कॉमा आर हो जाएगा, रेडियस आर हो जाएगा। आपने बाकी का पता लगा ही लिया होगा, कैस उनका सेंटर माइनस आर होगा, रेडियस आर होगा। और इधर वालों का जो सेंटर है वो आर कॉमा माइनस आर होगा और रेडियस आर होगा। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म लगा कि आप चारों क्वाड्रेंट में से जो भी सर्कल इन्वॉल्व है उसकी इक्वेशन तो बच्चों आप आराम से लिख ही सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं आपकी। तो एक और फॉर्म है वो देख लेते हैं, अगर आपको ये नोट करने में दिक्कत हुई तो चलो एक रुके नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम उन सर्कल्स की बात कर रहे हैं जिसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन, जिसके एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन। और अगर n पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन है ना, अगर n पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन है, जैसे ये एक सर्कल है, डायमीटर आप सभी जानती हो कि डायमीटर क्या होता है, तो मान लीजिए डायमीटर इसका x1, y1 एक एंड पॉइंट हो गया, x2, y2 दूसरा एंड पॉइंट हो गया। सर्कल की जो इक्वेशन होती है ना वो होती है x-x1, x-x2 प्लस y-y1, y-y2 इज इक्वल टू जीरो। कैसे आता है जरूरी नहीं है स्टेज पर जानना, बस इतना जानना काफी है कि डायमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन होती कैसी है। ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा, इस स्टेज पे जाना जरूरी नहीं है। अगर आप जानते हो तो वेल एंड गुड, नहीं जानते तो इस स्टेज पे इससे ज्यादा जरूरी चीजें आपके पास है करने के लिए। इन चीजों में उलझ के कोई फायदा नहीं है, अपना समय खराब करके। ठीक है बच्चों, तो हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल देख लिया। ठीक है, अब सब थोड़ा टॉपिक हम चेंज करते हैं। अब हम आते हैं लाइन और सर्कल के बारे में। हम चाहते हैं लाइन और सर्कल के बारे में। ठीक है, तो लाइन सर्कल के बारे में क्या चीज हम जानना चाहते हैं कि कोई लाइन है ना, ऐसी लाइन है सर्कल के बाहर से जा रही है, ये लाइन है सर्कल को टच कर रही है और ये लाइन है सर्कल के अंदर से जा रही है। राइट, तो पहली बात तो फिगर आउट करना पड़ेगा हमें कि कौन सा केस है हमारे सामने। और अगर एक बार फिगर आउट हो जाता है उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो कैसे कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, सर्कल के केस में लकीली हमें बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ता जितना कि कोनिक सेक्शन में याद करना पड़ता है, क्योंकि सर्कल की ज्योमेट्री बहुत यूजफुल है। कोनिक सेक्शन की ज्योमेट्री इतनी यूजफुल नहीं है ना बच्चों, लेकिन सर्कल की जो ज्योमेट्री है वो काफी यूजफुल है। अब देखिए कैसे ज्योमेट्री यूजफुल है। मान लीजिए सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से लाइन तक डिस्टेंस फाइंड करिए, उसको सीपी बोल दीजिए। सर्कल के सेंटर से बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और उस लेंथ को सीपी बोल दीजिए।
अब सर्कल का रेडियस अगर आर है तो आप आसानी से देख सकते हैं ना, यहाँ सीपी की जो वैल्यू है वो आर से बड़ी है, यहाँ सीपी की जो वैल्यू है वो आर से छोटी है, और यहाँ सीपी की जो वैल्यू है बच्चों वो आर के इक्वल है। तो सर्कल का सेंटर सी तो हमें पता होगा ही, सर्कल का सेंटर सी तो हमें पता होगा ही। जो लाइन गिवन होगी सर्कल के सेंटर से उस लाइन तक हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर फाइंड कर सकते हैं, जो कि कोई बड़ी बात आपके लिए है नहीं फाइंड करना, राइट। अगर आप जानती होगी सब तो आपने पढ़ा ही होगा, अदरवाइज अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे उसमें देख ही लोगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। बीच वाला केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, बीच वाला केस टेंजेंट वाली कंडीशन है, उस पर अभी हम आते हैं। पहले एक बात हम वर्बली डिस्कस कर लेते हैं कि सोचो सबसे लेफ्ट वाला अगर सिनेरियो है बच्चों, तो आपने ये पता कर लिया कि सीपी तो भैया आर से बड़ा है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। थर्ड वाला जो केस है उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, थर्ड वाला जो केस है बच्चों उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, जो लाइन की इक्वेशन होगी, जो लाइन की इक्वेशन होगी उसमें से वाई इज इक्वल टू समथिंग आप फाइंड कर लोगे। जो लाइन की इक्वेशन होगी, जो लाइन की इक्वेशन जा रही है ना, उसमें वाई इज इक्वल टू समथिंग तो आप फाइंड कर ही सकते हैं ना। उस वाई इक्वल टू समथिंग को आप डाल देंगे कहां पर, सर्कल की इक्वेशन में। उस वाई इक्वल टू समथिंग को आप डाल देंगे कहां पर, सर्कल की इक्वेशन में। तो सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर था, एक्स था, वाई था। आपने वाई को एक्स के फॉर्म में जब डाल दिया बच्चों, तो सारा कुछ एक्स में आ जाएगा, एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में तो हम मास्टर हैं ही हैं, सॉल्व कर लेंगे। और हम दो रूट बता देंगे, दो रूट में से एक एक पॉइंट के बारे में होगा, एक दूसरे पॉइंट के बारे में होगा। तो बेसिकली अगर हमें ये पता चल जाता है कि लाइन सर्कल के अंदर से पास करने वाली कंडीशन है, तो हम सर्कल और लाइन की में वाई एलिमिनेट करके आराम से एक्स फाइंड कर सकते हैं, और एक बार एक्स आ गया तो वाई तो आ ही जाएगा। सेम हरकत हम सेकेंड केस में भी कर सकते हैं, बस सेकेंड केस में ना बच्चों रिपीटेड रूट्स आएंगे क्योंकि तो लाइन सर्कल को टच कर रहा है। अब हम इस टेंजेंट वाली बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि वो कंडीशन क्या होगी, पहले तो बच्चों हम देखते हैं कि कंडीशन क्या होगी जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी लाइन किसी सर्कल के लिए टेंजेंट है, ठीक है। अब अगर ये कोनिक होता तो मैं कुछ फॉर्मूले आपको याद करवाता, लेकिन ये सर्कल है तो बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ज्योमेट्री से ही अपना हम काम फटाफट चला सकते हैं। वैसे ही बहुत चीज़ें आपके पास याद करने के लिए है, तो कुछ चीज़ें कम होती है तो कितना अच्छा होगा हमारे लिए। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बच्चों एक बार ऑलरेडी आप ऊपर लिख चुके हो, यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है कि कोई सर्कल है, हम तब बोलेंगे कि उस सर्कल लाइन को टच करती है, हम तब बोलेंगे कि सर्कल लाइन को टच करती है अगर सर्कल के सेंटर से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया जाए और वो आर टच है, बस दैट्स इट। सर्कल में ज्यादा कुछ माथापच्ची में नहीं करनी पड़ती है, सर्कल के सेंटर से लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करिए, अगर वो रेडियस से मैच करेगा मतलब वो टेंजेंट है, अगर नहीं मैच करेगा तो आप ऊपर केस देख ही चुके हो, या तो लाइन सर्कल के बाहर से जा रही होगी या तो लाइन सर्कल के अंदर से जा रही होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है, मैं इसे आपको कुछ मेमोराइज नहीं करवाना चाहता क्योंकि एनीवेज सीपी स्कोर बार लगाना अपने आप ही बहुत आसान टास्क है, समझने में प्रॉब्लम होगी तो हम क्वेश्चन से अभी हम देख लेंगे कि सीपी स्कोर बार वगैरह या डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह लगाते कैसे, ठीक है बच्चों। अब हम कंडीशन टेंजेंसी के बाद टेंजेंसी इक्वेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, हम टेंजेंसी इक्वेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि टेंजेंट्स की इक्वेशन किस तरीके की दिखती है। तो टेंजेंट्स की इक्वेशन के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में अगर हम जानना चाहोगे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपल सर्कल्स। ये सिंपल सर्कल है, इसकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है ना बहुत ही सिंपल सी होती है, एक्स होता है ए कॉस थीटा, वाई होता है ए साइन थीटा, बस राइट। इतना ही याद करना है, एक्स होता है ए कॉस थीटा, वाई होता है ए साइन थीटा। बेसिकली ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके लिए कोई थीटा एंगल है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप इस पैरामेट्रिक फॉर्म से डिनोट कर सकते हैं। अब बच्चों आप सोचेंगे कि ये तो सर सिंपल सा सर्कल था तो आराम से अपने पैरामेट्रिक फॉर्म फाइंड कर लिया, सर्कल जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तब आप क्या करोगे, तो मैं उसके लिए आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट ये है, पहले इसको देख लीजिए आराम से, तो मैं इसके लिए आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट ये है
जैसे x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बहुत ही जनरलाइज शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको। जनरलाइज शॉर्टकट ये कि आपको जो ये स्टैंडर्ड सर्कल है ना, जो बच्चों स्टैंडर्ड सर्कल जो नीचे लिखा हुआ है, इसके लिए अगर आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए और वो आपको नहीं याद है या नहीं बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जो सिंपल वाला सर्कल है ना, आप उसके लिए रिजल्ट बना लीजिए। जो सिंपल वाला सर्कल है बच्चों, आप उसके लिए रिजल्ट बना लीजिए और एक्स को रिप्लेस कर दीजिए। गौर से देखिए, रिप्लेस एक्स बाई एक्स माइनस अल्फा, y बाई वाई माइनस बीटा, a बाई आर इन सिंपल सर्कल। सिंपल सर्कल के रिजल्ट्स में बच्चों इतना रिप्लेस कर दीजिए और कुछ याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक्सक्यूज द हैंड राइटिंग। तो सिंपल सर्कल के केस में, सिंपल सर्कल का जो केस है ना बच्चों, उसमें बस इतना सा रिप्लेसमेंट आप कर दीजिए। एक्स को एक्स माइनस अल्फा लिख दीजिए, वाई को वाई माइनस बीटा लिख दीजिए और ए को आर लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। करके दिखा दूं मैं, चलो करके भी दिखा देता हूं। ऊपर रिजल्ट आपको दिख रहा है, एक्स को ए कॉस थीटा, राइट, एक्स को ए कॉस थीटा दिख रहा है। एक्स लिखा आपने, लिखा एक्स माइनस अल्फा और ए की जगह लिखा आर। ऊपर आपको एक और चीज दिख रही है बच्चों, वाई स्क्वायर टू ए साइन थीटा। जो वाई स्क्वायर टू ए साइन थीटा दिख रहा है, वहां वाई की जगह लिखो वाई माइनस बीटा और ए की जगह लिख दो आर। ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों याद कर लीजिए, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ यहां पर नहीं, आगे बहुत जगह काम आने वाली है। क्योंकि जो सिंपल सर्कल होता है ना, उसका रिजल्ट हमेशा बहुत आसान होता है। मेंस जैसे एग्जाम में अगर बहुत काम ना भी आए तो आगे एडवांस में तो आगे बहुत काम आएगा। तो आदत अभी से ये अच्छी बनानी हम क्यों ना शुरू कर दें। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जानने के बाद बच्चों, जो कि आप पहले जानते होंगे आई एम श्योर, तो अब हम टेंजेंट्स के बारे में प्रॉपर बात कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग में आ जाएंगे और जो बहुत थोड़ी बहुत थ्योरी रिक्वायर्ड होगी वहां से हम देख लेंगे। ठीक है, टेंजेंट में एक पॉइंट फॉर्म होता है बच्चों, जो कि आपने कॉनिक सेक्शन में भी पढ़ा होगा। तो अगर एक्स वन कॉमा वाई वन पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए बच्चों, अगर एक्स वन कॉमा वाई वन पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन आप याद कर लीजिए। टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन रिप्लेस करते हैं। क्यों का रीजन समझने का टाइम अभी हमारे पास नहीं है, आप इतनी पे फोकस करें। अगर जानते हो क्यों का रीजन तो वेल एंड गुड, नहीं जानते तो ट्रस्ट करिए, इस लेवल पे जानने का कोई फायदा नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी काम हमारे पास है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करिए एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को मेरे बच्चों आप रिप्लेस करिए वाई वाई वन, एक्स को रिप्लेस करिए एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई को रिप्लेस करिए वाई प्लस वाई वन बाई टू, और कांस्टेंट को डिस्टर्ब मत करिए। ऐसा करने से अपने आप जो सर्कल की इक्वेशन है ना, वो टेंजेंट की फॉर्म में बन जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट पूछा जा रहा है तब, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट पूछा जा रहा है तब। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे इसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, पॉइंट फॉर्म ये होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म में सिंपल सी बात है कि सर्कल पर डिपेंड करेगा। अगर वो सिंपल सा सर्कल है, अगर वो सिंपल सर्कल है बच्चों, सिंपल सर्कल है, तो आपको जो x1 है वो a cos थीटा हो जाएगा, जो y1 है वो a sin थीटा हो जाएगा। x1 a cos थीटा हो जाएगा, y1 a sin थीटा हो जाएगा। और अगर सिंपल सर्कल नहीं है तो मैंने भी आपको ऊपर समझाया ना कि कैसे कैसे रिप्लेस करना है। तो क्या x1 की जगह रिप्लेस करना है, क्या y1 की जगह रिप्लेस करना है, वो आप अच्छी तरीके से आराम से रिप्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहां पर आएगी। ठीक है, तो टेंजेंट्स की इक्वेशन होगी। टेंजेंट की एक और इक्वेशन होती है स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो लेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल। कोई भी सर्कल अगर गिवन है और टेंजेंट के बारे में कोई बात हो रही है बच्चों, तो आप मान लेते हैं कि y इक्वल टू mx प्लस सी टेंजेंट है उस सर्कल का। और इस बात को अगर सही करना है, आपने भविष्यवाणी की कि एक लाइन एक सर्कल की टेंजेंट है, उस भविष्यवाणी को, उस प्रोफेसी को आपको सही करना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसको शॉर्ट में बच्चों हमने कैसे याद किया था, CP equal to R। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी means CP equal to R सिर्फ सर्कल में, क्योंकि सर्कल की ज्योमेट्री इतनी शानदार है, बाकी कॉनिक में हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। तो सैडली हमें वो फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, या फॉर्मूले याद के बिना भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो टेंजेंट की क्वेश्चन थी। जब टेंजेंट को हमने टच कर ही लिया है तो बहुत क्लोज आ गए हैं, एक बार नॉर्मल के बारे में भी आइडिया लगा लेते हैं। तो नॉर्मल सर्कल में तो बहुत आसान होता है। नॉर्मल सर्कल में क्या होता है,
सर्कल का जो नॉर्मल है ना यार, वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है। सर्कल का जो नॉर्मल है ना, वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है, इतने से हमारा काम हो जाता है। बस इतना आइडेंटिफाई कर लीजिए कि सर्कल का जो नॉर्मल है ना, वो हमेशा हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है। अगेन ये लिबर्टी हमारे पास बाकी कोणी पे नहीं है, सर्कल में है, तो इसका फायदा हम जरूर उठाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान इसके इससे अलग जो थ्योरी आएगी उसको भी जरूर टच किया जाएगा। सर्कल की थ्योरी आसान है क्योंकि सर्कल का पूरा चैप्टर ही बच्चों आसान है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल बाय द लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि एन की वो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिसके लिए वाकई लाइन सर्कल के अंदर से पास करती है। तो क्या सिनेरियो बच्चों यहां पर, कि जैसे सर्कल है, ये रहा आपका सर्कल, ठीक है, ये रहा आपका सर्कल, ये लाइन है। लाइन सर्कल के अंदर से तभी पास करेगी, बोला है ना इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट तो तभी बनेगा जब लाइन सर्कल के अंदर से पास करेगी। लाइन सर्कल के अंदर से तभी पास करेगी बच्चों जब सीपीआर से छोटा होगा। अभी अभी तो पढ़ा था ना हमने, तो हमें सीपीआर से छोटा चाहिए। भैया सर्कल का सेंटर क्या है? सर्कल का सेंटर तो ओरिजिन है अपना। सर्कल का रेडियस क्या है? रेडियस तो 4 है, सब कुछ सामने दिख रहा है हमें। तो 0,0 से, 0,0 से एक्स प्लस वाई माइनस एन, लाइन की इक्वेशन ढंग से लिख लो, एक्स प्लस वाई माइनस एन इज इक्वल टू 0। तो आपको सर्कल का सेंटर जो कि 0,0 है उससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है और उसको रेडियस से छोटा इंश्योर करना है। जो जो एन ये बात सेटिस्फाई करेंगे आप उनके लिए फर्दर बात करोगे। तो पहले ये तो देख लो कि कौन कौन सा एन इन्हें सेटिस्फाई करता भी है। तो चेक करो बच्चों, 0,0 से इस लाइन तक आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 0, सीपी निकाल लो ना। सीपी क्या होगा? सीपी इज इक्वल टू 0 + 0 माइनस एन का मॉड अपॉन √2। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा ना, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? उस पॉइंट को लाइन में डाल देते हैं, मॉड लगाते हैं, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स कोशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कोशिएंट का स्क्वायर। आई एम श्योर आप इस बात को जानते हो। क्या होता है, एन तो पॉजिटिव है ना, तो माइनस एन के बाहर जो मॉड है वो सिर्फ एन बाहर देगा। और बच्चों अगर सीपी को लेस देन आर करना है तो मतलब एन को आपको 4√2 से छोटा करना पड़ेगा। √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बच्चों आप जानते ही है, 1.414 होता है, मतलब एन 5.6 के आसपास से छोटा होगा। तो एन क्या क्या हो सकता है? एन आपका, एन नेचुरल नंबर है तो 0 नहीं हो सकता, तो एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि 5 अलग अलग लाइंस हैं, पांचों लाइंस पर आपको इंटरसेप्ट की लेंथ फाइंड करके उसका स्क्वायर करना है। दिखने में तो लगता है कि मुश्किल सा टास्क है, लेकिन मुश्किल है नहीं क्योंकि हमने हिम्मत दिखाई है, हम आगे बढ़ते हैं। आप देखो एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा। देखो मेंस जैसे एग्जाम में तो बच्चों आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो नहीं आएगा, ये छोटी सी बात होगी शायद जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा। अगर हिम्मत दिखा के उस बात को हम क्रॉस कर जाते हैं तो वो भी क्वेश्चन हमारे लिए चैलेंज पोज नहीं करेगा। अब क्या करने लगे हैं पिछले 2-3 सालों से, वो क्वेश्चन को थोड़ा डिस्गाइज करने लगे। क्वेश्चन होता आसान है लेकिन दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। लेकिन हम तो हिम्मत हारेंगे नहीं क्योंकि हम कम्पलीशन करके जाएंगे एग्जाम में। कम्पलीशन कैसे करोगे? वीएमसी आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं कम्पलीशन की फीलिंग लाने में। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कि चलो फाइंड कर लिया हम कि एन की ये पांचों वैल्यूज है। अब सर आप बताओ कि इन पांचों वैल्यूज के लिए अलग अलग इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करने का आप सोच रहे हो? तो बच्चों मैं तो सिंपल देखो इसी डायग्राम को यूज कर लेता हूँ। मैं डायग्राम ज्यादा गंदा तो हुआ नहीं है, ज्यादा गंदा हो गया तो दूसरा यूज कर लेते। ये आपका आर है, ये आपका डी है। डी क्या है? डिस्टेंस। डी क्या बच्चों? डिस्टेंस सीपी। तो जो लेंथ है ए बी, जो लेंथ है यार ए बी क्या होता है? ट्वाइस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, निकाला जाए ट्वाइस आर स्क्वायर तो 16 है, माइनस डी स्क्वायर क्या है? सीपी का स्क्वायर। और सीपी अभी अभी तो बच्चों हमने फाइंड किया था, यहाँ देखिए सीपी अभी अभी तो फाइंड किया था, एन बाय रूट टू नहीं फाइंड किया था, अभी अभी तो सीपी फाइंड किया था। तो सीपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। सीपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? एन स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, राइट। सीपी का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा एन स्क्वायर बाय टू। आपको क्या चाहिए? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ। बच्चों हमें क्या चाहिए? सम
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ चाहिए, तो आपको लेंथ का स्क्वायर करना है। तो भैया ए बी का जो स्क्वायर होगा वो तो 4 टाइम्स 16 माइनस एन स्क्वायर बाय 2, दैट इज 64, 64 माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा, राइट? 64 माइनस 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों आप बताइए कि एक लेंथ के लिए n को 1 डालोगे, एक के लिए 2 डालोगे, एक के लिए 3 4 5 डालोगे और सबको ऐड करोगे अगर आप, तो हम यार इतने छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं, हम जो अपना सीरीज है उसको सिग्मा के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या? n = 1 to 5 और हम इस चीज की रिक्वायरमेंट है। अब मैं इसको भी क्या समझाऊं आपको, स्मार्ट तो हो ही आप, तो 64 into 5 तो हो ही जाएगा माइनस 2 into सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा n = 1 to 5, मतलब पहले 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। और लकीली उसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाय 6, n n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाय 6, काम खत्म हो गया। तो 320 में से 110 की छुट्टी करोगे तो 210 आपका बच जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन मैच करा देगा। तो बच्चों आपने देखा क्वेश्चन में कुछ खास डिफिकल्टी नहीं थी, बस हमें थोड़ा सा गट्स दिखाना है, आगे बढ़ना है, बाकी काम हमारे जो पीछे की ट्रेनिंग है ना वो अपने आप कर देगी, लेकिन घबरा जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो सर घबराहट तो होती होती है, घबराहट तो दुनिया में हर आदमी को होती है एग्जामिनेशन में जाते टाइम पे, लेकिन जब प्रैक्टिस ज्यादा करके जाओगे ना आप और कंप्लीशन की फीलिंग पूरी लेकर जाओगे, तो आप अपने आप से बोल सकते हो यार कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि मुझे कोई क्वेश्चन स्ट्राइक ही नहीं करेगा, कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा, जो करेगा वो मैं जल्दी कर लूंगा, जो नहीं करेगा क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन को फटाफट कर लिया तो मैंने थोड़ा टाइम बाय कर लिया है, जो मैंने टाइम बाय कर लिया, जो मैंने टाइम बचा लिया है उस टाइम में थोड़े से टेढ़े दिखने हुए क्वेश्चन को मैं आराम से सोचूंगा ना, तो मेंस का एग्जाम है ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं, क्लिक कर जाएगा। और दो चार क्वेश्चन नहीं भी हुए तो भी कोई बहुत बड़ा पहाड़ तो नहीं टूटेगा, एग्जाम फिर भी हमारा काफ़ी अच्छा चला जाएगा। लेकिन पैनिक कम से कम होना, पैनिक तो आप हो गए होगे एग्जाम में जाके, लेकिन पैनिक होना और अपने आप को फिर संभाल लेना है, राइट? पैनिक होना बहुत नेचुरल है बच्चों, लेकिन तुरंत रिकवर भी कर लेना चाहिए ताकि अगले क्वेश्चंस में उसका रिपल इफेक्ट ज्यादा ना आए। वो लोग सर आप सर्कल पढ़ा, पैराबोला कहाँ से आ गया? या पैराबोला आपको भैया करा चुके हैं ना तभी मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पैराबोला के बारे में बात नहीं करता। वैसे भी कोई खास बड़ी बात तो है नहीं, क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट वेर इट इंटरसेक्ट द सर्कल, मतलब टेंजेंट तो ड्रॉ किया जाएगा लेकिन कहानी तो टेंजेंट की बाद में आएगी, पहले तो भैया आपको पैराबोला और सर्कल के इंटरसेक्शन के बारे में कुछ पता करना है। और पैराबोला और सर्कल का जो इंटरसेक्शन निकलेगा उसमें एक्स या वाई में से कोई एलिमिनेट होगा, कौन सा आसानी से एलिमिनेट होता हुआ दिखता है, क्रिस्टल क्लियर है कि वाई स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो बच्चों अगर हम दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करें, वाई स्क्वायर को एलिमिनेट कर दें 4x लिख कर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना जैसे कोई 10th का बच्चा भी बहुत ही आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी मैनेज कर लेगा, वो बच्चा एक्स प्लस 5 लिखेगा, एक्स माइनस 1 लिखेगा। हाँ, अब आपको 10th का नहीं 11th का दिमाग चाहिए होगा, वैसे 10th में भी कुछ खास बड़ी बात नहीं थी, बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, बात हो रही है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट की, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी होता है, भली सारी सारी चीजें हम रजिस्टर नहीं कर पाते दिमाग में, फिर भी एक बार पढ़ लेना जरूरी होता है ताकि छोटी मोटी गलतियां हमसे आगे जाकर ना हो जाए। तो बात अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो रही है बच्चों, तो x = -5 तो गलत हो जाएगा, x का सिर्फ 1 आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी x का 1 बाकी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप x को 1 सब्स्टिट्यूट करिए पैराबोला या सर्कल में, y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लीजिए क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है, राइट? तो y की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी बच्चों वो 2 आराम से आपको दिख रही होगी, कोई खास परेशानी होने देगी आपको समझ। तो इसका मतलब पॉइंट कौन सा है जिस पर टेंजेंट की बात हो रही है, जो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट की बात हो रही है वो तो सर 1,2 है। उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, उस पॉइंट पे पैराबोला का टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। आपने सर सर्कल की टेंजेंट के बारे में तो बताया था, टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपने सर बताया था कि एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन रिप्लेस करना होता है, वाई स्क्वायर को वाई वन वन रिप्लेस करना होता है, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाय टू रिप्लेस करना होता है, वाई को वाई प्लस वाई वन बाय टू रिप्लेस करना होता है, कॉन्स्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। ऐसा करने से टेंजेंट एट द पॉइंट की हमें इक्वेशन मिल जाती है। ट्राई कर लें इस बार सर्कल में नहीं, किस में? पैराबोला में, क्योंकि टेंजेंट बच्चों किस पे चाहिए आपको? पैराबोला पर चाहिए। तो y स्क्वायर को रिप्लेस करना है y into 2 से y y 1 से,
x को रिप्लेस करना है x प्लस एक्स वन बाई टू से। ऐसा करने से जो y स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स है उसकी टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसी बन जाती है, y स्क्वायर रिप्लेस हो गया 2y से, x रिप्लेस हो गया है x प्लस वन बाई टू से, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है x प्लस, y इज इक्वल टू क्या आ गया x प्लस। अब देखो कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को लंबा करता है ताकि आपको चीजों को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, या कोई भी कमजोर दिल वाला बच्चा है ना, वो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के बोले कि सर पता नहीं क्या होने वाला है। आप कमजोर दिल के तो वो नहीं, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी खासी हो रखी है, तो आप पकड़ लोगे कि टेंजेंट की क्वेश्चन तो पहले फाइंड करो, आगे का तो हम देख लेंगे। आगे क्या बोला गया है कि टेंजेंट पासिस थ्रू द पॉइंट, आगे क्या बोला गया बच्चों, टेंजेंट पासिस थ्रू द पॉइंट, तो टेंजेंट की क्वेश्चन आपने निकाल ली वाई स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब भाई क्या करके हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा ना, ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास करती है, तो बिल्कुल सिंपल ऑब्जर्वेशन से, बिल्कुल सिंपल ऑब्जर्वेशन से बच्चों आप ये पता कर सकते हो कि जो टेंजेंट है ना वो ऑप्शन बी वाले पॉइंट से पास करती है, जो टेंजेंट है ना बच्चों वो ऑप्शन बी वाले पॉइंट से पास करती है। एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा, और कोई रास्ता इसका नहीं है, जानबूझकर ये क्वेश्चन को लमाड़ने की कोशिश करते, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम बोले कि चलो सर्कल में भी सर आप लिख के दिखा दो, प्रैक्टिस के लिए जस्ट कि आप सर सर्कल में भी लिख के दिखा दो कि अगर सर्कल में भी टेंजेंट की क्वेश्चन चाहिए होती तो कैसे निकालते इसी पॉइंट पर। तो टेंजेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता और कुछ खास नहीं होता, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होता आपको एक्स इन एक्स वन से, y स्क्वायर को रिप्लेस करना था y बाय 1 से, और कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करना होता। ऐसा लिखने से जो लाइन आती ना वो सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन होती, कौन से पॉइंट पे, उसी पर्टिकुलर पॉइंट से 1.2 वाले पॉइंट। कोई बात नहीं, ये हमसे पूछा नहीं गया तो हम इसको हटा देते हैं ताकि बाद में पीडीएफ देखकर आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने ये क्या लिख दिया। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता, फिर भी कई बार नॉर्मल का क्वेश्चन आ जाता है, तो एक बार हम देख ही लेते हैं तो बेटर होता है। तो टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस की बात हो रही है एट द पॉइंट टू द सर्कल। अभी अभी आप हमने प्रैक्टिस की, चलिए उस प्रैक्टिस का करने का टाइम आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर को बच्चों क्या लिखेंगे एक्स एक्स वन, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे आप एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को लिखेंगे वाई वाई वन, कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बच्चों जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो ये आ गई है 2x + y = 4। बात अगर नॉर्मल की इक्वेशन की होगी तो हम जानते हैं ना कि सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। हम जानते हैं बच्चों कि सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। देखो रफ डायग्राम बना लिया जाए, तो जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो 0.0 से पास करेगी ना, और नॉर्मल ड्रॉ किस पे करना है, रूट 3.1 पे ड्रॉ करना है। तो बेसिकली जो नॉर्मल है वो 0.0 और रूट 3.1 से पास करता है। बेसिकली बच्चों जो नॉर्मल है वो 0.0 और रूट 3.1 से पास करता है। तो उस नॉर्मल की हम इक्वेशन लिख सकते हैं ना, अब उस नॉर्मल की हम इक्वेशन लिखते हैं, तो नॉर्मल की इक्वेशन आराम से कैसे लिख सकते हैं, y माइनस फाइव वन इज इक्वल टू स्लोप 1 माइनस 0 ओवर रूट 3 माइनस 0 एक्स माइनस 0, राइट। ये सब लिखना आप जानते होंगे, स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स तो आपको पता ही होगा ना बच्चों। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई है, लाइन की इक्वेशन सिंपलीफाई करके हो जाएगी रूट 3 वाई इज इक्वल टू एक्स, या वाई इज इक्वल टू एक्स बाई रूट 3, जैसा लिखना पसंद करें। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है बच्चों, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, भैया ट्राइंगल कहाँ पे बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है टेंजेंट से, नॉर्मल से, लेकिन ट्राइंगल में तो तीन साइड चाहिए, तो तीसरी साइड कौन सी है, एक्स एक्सिस है। तो जरा ट्राइंगल को शेड कर लिया जाए क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ट्राइंगल को बच्चों हम शेड करेंगे तो ये एक साइड और ये एक साइड, जिसमें ये वाला जो पॉइंट है वो टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट है। ये जो पॉइंट है बच्चों ए बोल दो इसको, वो टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट है, और टेंजेंट के एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपको वाई को जीरो रखना पड़ता है। बच्चों अगर आप y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4/√3 आ जाती है ना, ठीक है। इस पॉइंट को b बोल दीजिए। अब बहुत ही सिंपल सा काम हमारे लिए रह गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB का एरिया,
ट्रायंगल ओएबी का एरिया बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। बेस की लेंथ आपको दिख रही है 4/√3, बेस की लेंथ 4/√3 दिख रही है, और अगर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए डी पे जाके गिरे तो बीडी। तो बच्चों मेरे बेस की लेंथ आपको 4/√3 दिख ही रही होगी और बीडी की लेंथ नथिंग बट बी का वाई कोऑर्डिनेट है, नथिंग बट बी का वाई कोऑर्डिनेट है। सिंपल वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन ही होती है ना कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो यही तो आपको इस एरिया है, एरिया क्या आ रहा है 2/√3 ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीधा फॉर्मूला लगाकर हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला लगाकर नहीं होते हैं, तो आपको एक रफ डायग्राम से उनको करना होता है। रफ डायग्राम बनाते ही आपको क्लिक कर जाता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। पढ़िए क्वेश्चन दोस्तों। तो लोकस देखती एक बार को तो थोड़ी हालत हमारी खराब हो ही जाती है, राइट। लोकस देख रही है, नेचर है, लोकस में अनसर्टेनिटी बहुत हाई होती है ना एलिमिनेशन वगैरह में, तो लोकस देखकर एक बार तो हालत खराब होती है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करके हम चीजों को मैनेजेबल बना सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल, एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या है 0.0 रेडियस 1, इस सर्कल का सेंटर बच्चों 0.0 और रेडियस 1, ये तो वैसे दिख ही रहा है, सर्कल का सेंटर 0.0 रेडियस 1। एक टेंजेंट है सर्कल का, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को अलग अलग पॉइंट पी और क्यू पे कट करता है। तो बच्चों आपको लोकस किसका चाहिए, पी क्यू के मिड पॉइंट का। तो पहले थोड़ा पी क्यू का आइडिया लगेगा, तभी तो पी क्यू के मिड पॉइंट का आइडिया लगेगा, और पी क्यू का आइडिया लग सकने के लिए टेंजेंट का आइडिया लगना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप रफ डायग्राम बनाएंगे कि भाई चल क्या रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया रफ डायग्राम बना के काफी चीजें वैसे ही क्लियर आउट हो जाती है। रफ डायग्राम बनाया आपने, कोई टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में बात हो रही है जो पी और क्यू पे टकराता है, तो मान लेते हैं बच्चों कि आर पॉइंट पे आपने टेंजेंट, मान लेते हैं कि आर पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में मान लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म आपको सिखाया था ना, ये सिंपल सर्कल है। सिंपल सर्कल क्यों है बच्चों, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पर है। चूंकि इसका सेंटर ओरिजिन पर है तो हमारे टर्म्स में सिंपल सर्कल है। सिंपल सर्कल की जो पैरामेट्रिक फॉर्म थी बड़ी सिंपल सी थी ना, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। यार यहाँ ए जो कि रेडियस है वो भी वन है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या मान सकते हैं, सीधा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में हम टेंजेंट की इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं ना, राइट। पैरामेट्रिक फॉर्म में बच्चों हम टेंजेंट की इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं ना। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। जो सर्कल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन में आप कोशिश करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म से करने की, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म से करने से ना क्या होता है, जिस जो पॉइंट को आप एज्यूम करते हो ना वो पॉइंट डेफिनेटली कर्व को सेटिस्फाई करता है। तो एक इक्वेशन उस पॉइंट को जबरदस्ती कर्व को सेटिस्फाई करने वाली हमारी थोड़ी कम हो जाती है, तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है। जैसे कि अगर आप एच कॉमा के मान लेते आर को, जैसे कि बच्चों आप कैपिटल आर के पॉइंट को एच कॉमा के मान लेते, तो आपको बार बार ये मेंशन करना पड़ता कि एच कॉमा के लाइज ऑन द सर्कल सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कम्स आउट टू बी वन। इसको मेंशन करने की हमें इस पैरामेट्रिक फॉर्म में जरूरत नहीं है, तुम्हारा इक्वेशन एक कम हो जाता है तो काम का लोड थोड़ा सा हल्का हो जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन मैंने सिखा रखी है ना आपको, एक्स एक्स वन मतलब एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा, ये आपने बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन लिखी। अब कैपिटल पी जो है बच्चों वो कैसे आता है, कैपिटल पी टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट है, कैपिटल पी टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट है। तो कैपिटल पी फाइंड करने के लिए टेंजेंट की इक्वेशन में हमने वाई को जीरो रखना पड़ेगा। अगर वाई को जीरो रखेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1/cos θ कॉमा जीरो। कैपिटल क्यू टेंजेंट का वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट के लिए बच्चों आपको एक्स को जीरो रखना पड़ेगा। एक्स को जीरो रखेंगे तो जो y इंटरसेप्ट है वो 1/sin θ आ जाएगा, राइट। अब देखो p आ गया q आ गया, लेकिन आपको लोकस pq में से किसी का नहीं पूछा, लोकस r का भी नहीं पूछा, लोकस आपको pq के मिड पॉइंट का पूछा गया है। लोकस बच्चों आपको pq के मिड पॉइंट का पूछा गया है, जो कि इस फिगर में क्लियरली नहीं दिख रहा,
तो अंदाजे के लिए एक जगह लोकेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है एच कॉमा के, जिसका लोकस आपसे पूछा गया है। डायग्राम की स्केल पर मत जाइए, चीजों को समझने पर फोकस करिए। मान लेते हैं कि जो ए है ना बच्चों, वो मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का, उसका लोकस, ए का लोकस आपसे पूछा गया है। तो यार मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के बच्चों हो, आप बोल सकते हैं ना कि 2h इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा प्लस 0 एंड 2k इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा प्लस 0। अब ये मत बोलो बच्चों कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना आपको नहीं आता, ऑब्वियसली आता है, तभी तो इतनी दूर तक आप पहुंच पाए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हमने 2h और 2k लिख दिया। अब जब भी लोकस का क्वेश्चन आए, जब भी लोकस का क्वेश्चन आए, अच्छे से चीजों को याद कर लीजिए बच्चों, जब भी लोकस का क्वेश्चन आए और कॉस थीटा साइन थीटा से आपका सामना हो, जब भी लोकस का क्वेश्चन आए और कॉस थीटा साइन थीटा से आपका जब सामना हो, तो कॉस थीटा आप अलग करिए, साइन थीटा अलग करिए और स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। कॉस थीटा अलग करिए बच्चों, साइन थीटा अलग करिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। वही करके यहाँ पर हम देख लेते हैं, कॉस थीटा अगर हम अलग करते हैं 1 बाई 2h, साइन थीटा अलग करते हैं 1 बाई 2k, हमारा एम क्या है, चेंजिंग पैरामीटर को एलिमिनेट करना। क्या है चेंजिंग पैरामीटर, थीटा चेंजिंग पैरामीटर है, क्योंकि थीटा क्वेश्चन में कहीं से भी मेंशन नहीं है। तो अगर कॉस थीटा साइन थीटा आपने निकाल लिया, तो हम इसे स्क्वायर करके ऐड कर देंगे ना, स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो 1 बाई 4h स्क्वायर प्लस 1 बाई 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब लास्ट में फॉर्मेलिटी निभानी होती है, फॉर्मेलिटी निभाने का मतलब क्या होता है लोकस से बच्चों, एच को एक्स रिप्लेस करना होता है, ए को वाई रिप्लेस करना होता है। कब करना होता है ये, जब लास्ट स्टेप आ गया होता है, जब सारी चेंजिंग पैरामीटर एलिमिनेट हो गए होते हैं, उस समय जिस पॉइंट को आपने मूविंग पॉइंट माना था, उसको आप एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स लिख दीजिए और वाई कोऑर्डिनेट को वाई लिख दीजिए, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मेलिटी निभा देते हैं, तो 1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर 4 कॉमन ले लोगे, तो 4 को धक्का मारकर उधर भेज सकते हैं बच्चों। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि क्या सर कोई ऐसा ऑप्शन है, तो हमारा काम हो गया होगा। सैडली ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेकर इसको फर्दर मैनिपुलेट करके किसी ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा। तो जब एलसीएम वगैरह लेंगे बच्चों आप, तो ये समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फर्दर अरेंज करेंगे ताकि क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो एक बार में मैच हो जाए। थोड़ा सा फर्दर अरेंज करेंगे बच्चों ताकि ऑप्शन जो है ना आपका वो एक बार में मैच हो जाए। अब जरा देखिए तो सही कि ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, होना ही चाहिए, इतनी मेहनत जो हमने की है और सही डायरेक्शन में मेहनत की है तो रिजल्ट दिखेगा ही। तो लोकस के क्वेश्चन से ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि मेन जैसे एग्जाम में ना आप यकीन मानो लोकस से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन वो पूछ नहीं सकते। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद दिलाता रहेगा कि एक बार तो डायग्राम बना के देख लेना चाहिए, अगर हमें ढंग से स्ट्राइक नहीं करता किस बारे में बात हो रही है। तो एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड सर्कल है, जिस सर्कल का डायमीटर किसी एक लाइन के अलोंग है और रेक्टेंगल के दो एडजेसेंट वर्टिसेस दिए। अब बच्चों ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बहुत शार्प होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन पावर से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो दो पॉइंट्स हैं वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं, क्योंकि उनके जो वाई कोऑर्डिनेट है वो सेम है। और वाई कोऑर्डिनेट सेम होने का क्या मतलब होता है कि वो लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा। तो अगर एक डायग्राम बनाया जाए और उनकी बातों को दिखा जाए, तो क्या बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, बोला गया है कि रेक्टेंगल जो इंस्क्राइब किया गया है एक सर्कल, रेक्टेंगल को हमने इंस्क्राइब कर दिया सर्कल में, ठीक है अच्छी बात कर दिया। उसके बाद बोला गया है कि दो पॉइंट से -8.5 6.5, तो बच्चों एक पॉइंट -8.5 आप ये ले लीजिए तो 6.5 ले लीजिए। अब अच्छे से इन बातों को समझने की कोशिश करिए कि जितने अननोन क्वांटिटीज आप कम रख पाओगे ना, उतना काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चों रेक्टेंगल है, कोई रैंडम फिगर नहीं है, दिस इज अ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है तो सी और डी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन ये बोल सकते हैं ना कि सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 6 होगा, वाई कोऑर्डिनेट के हम नहीं पता, जो डी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो -8 होगा और डी का वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। आपको ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्यों सी और डी का वाई कोऑर्डिनेट सेम ले लिया है, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है,
ए बी और सी डी बच्चों पैरेलल हैं, ए बी का अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो सी डी का भी वाई कोऑर्डिनेट सेम ही होना चाहिए, नहीं तो पैरेलल नहीं रहेंगे, और पैरेलल नहीं रहेंगे तो रेक्टेंगल कैसे बनेगा? उससे फायदा क्या हुआ, चेंजिंग पैरामीटर थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है, अभी हमारी जीत नहीं हुई, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हमें ये बोला गया है कि सर्कल का जो सेंटर है ना, सर्कल का जो सेंटर है वो किसी लाइन पर लाई करता है, ये सर्कल का जो सेंटर है ये सर्कल की डायमीटर लाइन पर लाई करता है। तो चलो भैया सर्कल का सेंटर ढूंढ लेते हैं, क्या सर्कल का सेंटर ढूंढा जाए, इधर सर्कल का सेंटर, सर्कल के सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो आपको माइनस एट और सिक्स का मिड पॉइंट नहीं नजर आ रहा, सर्कल के सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों वो माइनस एट और सिक्स का मिड पॉइंट है ना, तो माइनस एट और सिक्स का मिड पॉइंट कैसे निकलता है, माइनस एट प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू, मतलब सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो डेफिनेटली डेफिनेटली माइनस वन है। अब जरा मेरे बच्चों वाई कोऑर्डिनेट पे गौर करिए, एक फाइव की लाइन है एक के की लाइन है, तो जो बीच में वाई होगा वो दोनों का मिड पॉइंट खुद ही होगा ना, एक फाइव की लाइन है के की लाइन है तो फाइव और के का जो मिड पॉइंट होगा वही तो बीच में वाई कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का, तो के प्लस फाइव बाई टू, राइट, के प्लस फाइव बाई टू, ठीक है बच्चों। अब ये लाई करेगा किस पर, आपके इस पर, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर है वो डायमीटर की इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा ना बच्चों। जरा सेटिस्फाई करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, y की जगह हमने k प्लस वाई बाई टू डाल दिया, x की जगह माइनस वन डाल दिया, सेवन तो फ्री का अपना था ही था, पूरा मल्टीप्लाई कर लें, ये सिक्स हो जाएगा, थ्री के प्लस फिफ्टीन इक्वल टू ट्वेल्व, तो जो k की वैल्यू है वो माइनस वन हो जाएगी, जो k की जो वैल्यू है वो माइनस वन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ना वो माइनस एट कॉमा माइनस वन एक पॉइंट और सिक्स कॉमा माइनस वन है दूसरा पॉइंट, सिक्स कॉमा माइनस वन है दूसरा पॉइंट। तो बच्चों आपसे पूछा क्या, देखो ये मैथ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये अप्रोच अपनाना, कि आपसे जो पूछा गया उस पर कम फोकस करके, जो चीजें आसानी से निकाली जा सकती है ना उन पर फोकस करिए, चीजें आसान हो जाती है। जैसे कि हमसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया था, वो हमें नहीं पता था शुरू में कैसे निकाला जाएगा, जो जो हम निकाल सकते थे हमने निकाला, तो कोई खास परेशानी नहीं है अब आपको समझ पाने में, कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा ना, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मतलब डीसी की लेंथ इंटू बीसी की लेंथ, तो जो डीसी की लेंथ है बच्चों वो साफ साफ 14 है, एकदम आराम से आप निकाल सकते हो, और जो बीसी की लेंथ है वो 6 है, देखिए ना 5 और माइनस वन में कितना गैप होगा, 5 और माइनस वन में 6 का ही तो गैप होगा, माइनस एट और 6 में 14 का ही तो गैप होगा बच्चों, 84 स्क्वायर यूनिट्स इसके एरिया का आंसर हो जाए। इस क्वेश्चन को देखिए, दो सर्कल्स अगर इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पी क्यू पे, तो उनकी लाइन जो है वो पी क्यू से पास करेगी कब, ये पूछा गया। तो भाई होता क्या है, मैं बता दूं आपको कि दो सर्कल्स जो होते हैं ना, जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो ये होता है कि दो सर्कल्स होते हैं, तो इन दोनों सर्कल की जो कॉमन क्वाड की इक्वेशन होती है ना बहुत ही सिंपल सी होती है, इन दोनों सर्कल्स की जो कॉमन क्वाड की इक्वेशन होती है वो होती है एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो, जहां एस वन सर्कल वन की इक्वेशन है, एस टू सर्कल टू की इक्वेशन है, और दोनों ही इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वर्स का जो कोएफिशिएंट है ना वो वन होना चाहिए, दोनों इक्वेशन से बच्चों एक्स स्क्वायर और वर्स का जो कोएफिशिएंट है ना वन होना चाहिए, राइट, अच्छे से इन बातों को याद कर लीजिए, बहुत डेप्थ में जाने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है और जरूरत भी नहीं है डेप्थ में जाने की, याद कर लीजिए बच्चों आप, ये जो कॉमन क्वाड की इक्वेशन होती है ना वो एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो से आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो पहले सर्कल्स को हमें ढंग से लिखना पड़ेगा, चलो सर्कल्स को ढंग से लिखते हैं, तो पहला जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फाइव के एक्स प्लस टू वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, ये तो ढंग से लिखा ही हुआ है। तो दूसरा सर्कल है बच्चों, उसमें अगर टू से डिवाइड कर दिया जाए तो अब बोलेंगे कि हाँ ये सर्कल ढंग से लिखा हुआ है, नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, तो ये आपका एस वन है, ये आपका एस टू है, राइट, एस वन एस टू आपके पास है, तो अगर आप S1 वन माइनस एस टू इजक्वल टू जीरो करेंगे बच्चों, तो 4k x प्लस वाई बाई टू प्लस k प्लस वन बाई टू इजक्वल टू जीरो आ जाएगा। डेसिमल किसको अच्छा लगता है, सॉरी फ्रैक्शन किसको अच्छा लगता है, तो फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए आपने ये लिखा, राइट, तो आपकी जो कॉमन क्वाड की इक्वेशन है ना बच्चों वो ये आ जाएगी, S1 वन माइनस एस टू इजक्वल टू जीरो, जो आपने S1 S2 दोनों को ठीक से लिखा, ठीक से लिखा मतलब
एक्स और वाई स्क्वायर क्वेश्चन वन बनाकर लिखा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जो लाइन है ना, जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड मतलब जो पीक्यू से पास कर रही है लाइन, जो पीक्यू से पास कर रही है, वो उसकी इक्वेशन भी दे रखी है। तो यार एक इक्वेशन बच्चों हमने लिखी अपनी समझ से, एक इक्वेशन क्वेश्चन ने दे रखी है, तो दोनों आपस में मैच करने चाहिए ना, राइट। दोनों आपस में मैच करने चाहिए ना। तो इक्वेशन क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 4x प्लस 5y माइनस k इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम सब कुछ सही कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू आपस में आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल करके देखते हैं कि k का क्या रहता है यहाँ पर, राइट। आइडेंटिकल किया हमने तो 8k डिवाइड बाई 4 1 बाई 5 2k प्लस 1 ओवर माइनस k के इक्वल होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब जरा पहले दोनों को कंसिडर करो तो k आता है 1 बाई 10। इन दोनों को कंसिडर करिए तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा k क्या आता है, क्या आता है माइनस k 10k प्लस 5, मतलब k की वैल्यू है माइनस 5 बाई 11। अब सोचिए ना जरा, k की एक ही वैल्यू आनी चाहिए थी ना, क्योंकि k की अलग अलग वैल्यू आएगी तो तीनों इक्वेशंस एक साथ तो इक्वल नहीं हो पाएंगे। और तीनों इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन, वो 8k by 4, मतलब तीनों एक्सप्रेशन एक साथ इक्वल नहीं हो पाएंगे। कौन सी दोनों एक्सप्रेशन बच्चों, एक 8k by 4, 1 by 5 और 2k plus 1 by minus k। अगर तीनों एक साथ इक्वल नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब वन और टू इक्वेशन कभी आपस में मैच नहीं कर सकते, वन और टू इक्वेशन कभी आपस में मैच नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कोई भी के की वैल्यू दुनिया में पॉसिबल है ही नहीं जो ऐसा जुगाड़ कर सके। तो एक ही चीज को दो बार लिखना, कंपेयर करना बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है। जो पीक्यू कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है ना, एक तो दे रखी है, एक हमने अपनी मर्जी से s1 - s2 = 0 करके लिखी, दोनों को कंपेयर किया तो पता चला कि ऐसी कोई k की वैल्यू है ही नहीं बच्चों जो इन दोनों को एक साथ खुश कर सके। इसका मतलब हम नो वैल्यू ऑफ k मार्क करेंगे और आगे निकल जाए। तो बच्चों स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये फैमिली ऑफ सर्कल्स का क्वेश्चन है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि फैमिली ऑफ सर्कल्स के और फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस अगर आएंगे तो कैसे आप डील करेंगे उनको, ठीक है बच्चों। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स में जिस फैमिली की हम अभी बात कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि एक लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। इस लाइन को एक पर्टिकुलर पॉइंट 1,1 पे टच किया जा रहा है। उन सर्कल्स की बात हो रही है जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, रिपीट करता हूं, हम उन सारे सर्कल्स की बात करें बच्चों जो इस गिवन लाइन को इस गिवन पॉइंट पे टच करते हैं। तो ऑल द सर्कल्स टचिंग द गिवन लाइन एट द गिवन पॉइंट, all circles touching the given line at given point किस फॉर्म के होंगे, पहले उसको लिखते हैं। वो होंगे x माइनस वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वन का स्क्वायर। ये सर्कल की क्वेश्चन होगी जिसका रेडियस जीरो मान लिया। जीरो क्यों माना, क्योंकि 1,1 को हमने पॉइंट सर्कल मान लिया, राइट बच्चों। हमने 1,1 को पॉइंट सर्कल मान लिया, ऐसा सर्कल मान लिया जिसका सेंटर 1,1 है और रेडियस उसका जीरो है। तो ये रही सर्कल की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन। मैं अभी आपको इस क्वेश्चन के बाद याद दिलाऊंगा कि इन इक्वेशंस को कैसे लिखा करते थे। अगर आपको दिक्कत है तो इसके बाद दोबारा से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि एक्सपेक्टेड है आपसे ऐसा ही कर रहे हो आप। तो मैं सारे सर्कल्स की बात करें बच्चों जो इस गिवन लाइन को एक गिवन पॉइंट पे टच करते हैं, तो जो गिवन पॉइंट है ना उसको आप झूठा सर्कल मान लेते हैं जिसका रेडियस जीरो हो। रेडियस जीरो मानकर सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। अब क्या बोला जा रहा है बच्चों, बोला जा रहा है कि जो सर्कल है ना वो 1,-3 से पास करता है। जो सर्कल है वो 1,-3 उसको उस पॉइंट, वो पॉइंट उस सर्कल को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब हमें लैम्डा मिल जाएगा ना, इसका मतलब हमें लैम्डा मिल जाएगा। तो 1,-3 को डाल दिया जाए x माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 को y की जगह डाला जाए तो माइनस 3 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। लैम्डा x की जगह 1, y की जगह माइनस 3 डाला जाए तो 4 आ जाएगा बच्चों। क्या किया, कुछ खास नहीं किया, 1,-3 को इसकी वैल्यू में डाल दिया, क्योंकि 1,-3 सर्कल के सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो लैम्डा को डालने, इस वैल्यू को डालने के बाद लैम्डा की जो वैल्यू आती है माइनस 4 आती है। तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 4 आने के बाद अगर आप सर्कल को पूरा एक्सपैंड करेंगे बच्चों, अगर आप सर्कल को पूरा एक्सपैंड करेंगे
तो एक एक्स स्क्वायर तो आएगा, वाई स्क्वायर तो आएगा, माइनस टू एक्स आएगा, माइनस फोर एक्स आएगा, तो माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा। डाल के देख लीजिए लैम्डा की वैल्यू माइनस फोर, मेरे से ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। लैम्डा माइनस फोर डाला तो उधर से फोर वाई आ गया, यहाँ से माइनस टू आता है तो प्लस टू वाई आ जाएगा, और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म तो ही आएगी, वो तो लैम्डा पर वैसे भी डिपेंड नहीं कर रही थी। तो बच्चों जो सर्कल का जो सेंटर है, खैर उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी रेडियस निकालने में जरूरत पड़ेगी तो लिख ही लेते हैं। जो सर्कल का सेंटर है वो आ गया थ्री कॉमा माइनस वन। कैसे सीखा सर? सीख चुके हैं इसको। एक्स के क्वेश्चन को आधा करो माइनस लगा दो, वाई के क्वेश्चन को आधा करो माइनस लगा दो। जो सर्कल जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्वेश्चन वन है और सारी चीजें इस टाइप की हैं, तब तो सेंटर निकाल लिया बच्चों आपने। रेडियस का फॉर्मूला भी सीखा था ना, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म। तो बच्चों मेरे रेडियस क्या आता है? नाइन प्लस वन टेन, टेन माइनस टू राइट, थ्री को माइनस वन, टेन माइनस टू रूट एट। और रूट एट आप अच्छी तरह जानते हो कि रूट एट होता क्या है राइट। अब फैमिली का इक्वेशन खत्म किया, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको मैं बाकी फैमिली बताऊंगा। तो चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं और हम थोड़ा फैमिली के बारे में थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। तो मैं ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं लेके जाऊंगा बच्चों, मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस पर ही रखूंगा, क्योंकि मेंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत हमें पड़ती नहीं इस टाइम पे। फैमिली ऑफ सर्कल्स में हम उन सारे सर्कल्स की बात कर रहे हैं जो सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास करते हैं। हम उन सारे सर्कल्स की बात करें बच्चों जो सर्कल एस इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू जीरो के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं। तो सर्कल्स फटाफट लिखते हैं इसको हम, सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन कैन बी रिटन एज एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो। इसको याद कर लीजिए बच्चों, आप इसको याद कर लेंगे ना तो बाकी कुछ खास याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर मैं सेकेंड फैमिली आपको दिखाऊं जिसमें ऐसे सारे सर्कल्स की बात कर रहे हैं जो सर्कल्स, इसमें ऐसे सारे सर्कल्स की बात करें जो सर्कल्स इस सर्कल को, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करते हैं, ऐसे सारे सर्कल्स, इन सारे सर्कल्स की हम बात कर रहे हैं, उन सारे सर्कल्स की जो इक्वेशन है ना वो भी ऐसी ही लिखी जाती है राइट। और फैमिली देखनी है तो हम ऐसे सारे सर्कल्स की बात कर रहे हैं जो एक लाइन को एक गिवन पॉइंट पे टच करता है राइट, ये लाइन है। तो मान लेते हैं कि जो गिवन पॉइंट है ना उस पर एक झूठा सर्कल है जिसपे एक्स वन कोमा वाई वन सेंटर है, रेडियस जीरो है, ये आ गया झूठा सर्कल। प्लस यार लाइन की इक्वेशन ये है, यही तो अभी अभी हमने इस्तेमाल किया था राइट, यही तो अभी अभी हमने इस्तेमाल किया था राइट। तो बाकी जो सर्कल की फैमिली है वो मोटा मोटा इसमें कन्वर्ट हो जाती है, कोई खास वेरिएशन नहीं आता। हाँ एक सर्कल भी आता है कि अगर दो पॉइंट से सर्कल पास करना है, अगर दो पॉइंट सर्कल पास करती है कि फैमिली, दो पॉइंट से तो इन्फिनिट सर्कल पास करते हैं बच्चों, दो पॉइंट से तो इन्फिनिट सर्कल पास करते हैं। अगर आपको फैमिली चाहिए सर्कल्स की जो इन दोनों पॉइंट से पास करता है, तो आप डायमेट्रिक फॉर्म में, डायमेट्रिक फॉर्म पढ़ा था ना हमने शुरू में, डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन लिख दीजिए। और लाइन की इक्वेशन तो बच्चों टू पॉइंट फॉर्म में आप लिख ही सकते हैं, तो ऐसा करने से आपको फैमिली ऑफ सर्कल मिल जाएगा राइट। क्यों का टाइम है नहीं हमारे पास, वो क्योंकि जरूरत भी आपको नहीं है स्टेज पर। फैमिली जब पढ़ ही रहे हैं तो एक बार फिनिश ही कर लेते हैं। ऐसे सर्कल्स की बात कर रहे हैं जो इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगे बच्चों, जरा ध्यान लगाइएगा प्लीज इधर, कि वैसे सारे सर्कल जो उन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं, हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि वो सारे सर्कल S1 और लैम्ब L के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास कर रहे हैं। वैसे सारे सर्कल्स जो S1 S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, वो सारे सर्कल्स S1 और L के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी तो पास कर रहे हैं ना। और फैमिली नंबर वन में ऑलरेडी हमने देखा ही था इसे राइट। सिक्स में ऐसे सारे सर्कल्स, ऐसे सारे सर्कल्स जो इन दोनों सर्कल को इसी पॉइंट पे टच करते हैं, जो इन दोनों सर्कल को इसी पॉइंट पे टच करते हैं, तो बच्चों ये जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन भी है ना वो बिल्कुल कॉमन कॉर्ड की तरीके से ही आ जाती है। इसकी जो इक्वेशन है ना एल की, वो भी एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो से ही आ जाती है, अगर ये एस वन है एस टू है तो इसकी इक्वेशन भी ऐसे लिखी जा सकती है राइट। बस ये फैमिली ऑफ सर्कल्स में। तो यार अगर ये वाला पार्ट थोड़ा कम समझ आया तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा हैवी हो गया, मतलब मेन सी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ अर्जेंट नहीं है। मेन क्वेश्चन आप देख लो,
तो क्वेश्चन में आप ये वाली थ्योरी तो याद कर ही लीजिए क्योंकि इसका क्वेश्चन आ चुका है। वैसे सारे सर्कल जो एक लाइन को एक पॉइंट पर टच करते हैं तो उस पॉइंट पर आप डमी सर्कल मान लो, लाइन तो पता ही है एस प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो से फैमिली लिखो और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिया होगा जिससे आपको लैम्डा मिल जाए। अगेन बच्चों लोकस का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी हवा टाइट तो हमारी हो ही जाती है लेकिन मैंने आपको बताया कि एक रफ डायग्राम बना ही लेना चाहिए क्वेश्चंस में जब क्लियर कट फॉर्मूले का आइडिया नहीं लगता। तो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल्स विच टच द सर्कल एक्सटर्नली, तो उन सर्कल्स का हमें लोकस चाहिए, उन सर्कल्स का हमें लोकस चाहिए जो हमारे सर्कल को बाहर से टच करते हैं, उन सर्कल के सेंटर का हमें लोकस चाहिए जो हमारे सर्कल को बाहर से टच करते हैं और जो एक्सिस को भी टच करते हैं। हमारे सर्कल को तो बाहर से टच करते ही करते हैं और वो एक्सिस को भी टच करते हैं, मतलब कुछ ऐसे सर्कल के बारे में बात होगी तो एक्सिस को तो टच करते ही करते हैं, एक्सिस को तो टच करते ही करते हैं हमारे सर्कल को भी टच कर रहे हैं, तो बेसिकली इस एच कोमा के इसके लोकस की बात हो रही है, राइट, इस पॉइंट के लोकस की बात हो रही है। उन सर्कल्स के सेंटर का लोकस चाहिए जो हमारे ऑरेंज वाले सर्कल को टच करते हैं और वाई एक्सिस को भी टच करते हैं। बच्चों जरा गौर करिएगा, चूंकि ये सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है इसका जो रेडियस है ना वो एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, चेक करके देख लो, मैं ग्राफिकली चेक कर लो, चूंकि सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो उसका जो एक्स का कोऑर्डिनेट है ना सेंटर का वही आपका रेडियस है। ठीक है बच्चों, अब जरा गौर से ज्योमेट्री देखिए इसकी, ठीक है बच्चों, अब जरा गौर से इसकी ज्योमेट्री देखिएगा तो आपको दिख जाएगा क्या कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, जो OP है वो 1 प्लस एच है, OP है 1 प्लस एच है, इतना तो दिख जाएगा ना आपको। दोनों सर्कल्स बाहर से टच कर रहे हैं तो दोनों सर्कल सेंटर की जो दूरी है ना वो दोनों रेडियस का सम है। ठीक है बच्चों, तो अगर OP 1 प्लस एच है तो OP है क्या, OP को हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना, OP तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है और ये 1 प्लस एच है। ठीक है, तो हमें स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना बच्चों, स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो के स्क्वायर जो फॉर्मेलिटी निभा देते हैं, फॉर्मेलिटी निभाने में आपको समझाया था ना कि k को y से रिप्लेस करना होता है और h को x से रिप्लेस करना होता है, k को y से रिप्लेस करना होता है h को x से रिप्लेस करना होता है। बच्चों अब जरा गौर से देखिएगा कि आपका जो y है सर्कल का जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है वो तो हमेशा ऊपर ही है, वो तो हमेशा ऊपर ही है, तो चूंकि वो हमेशा ऊपर है तो ये पक्की बात है, चूंकि ये पक्की बात है कि रूट एक्सप्रेशन के बाहर हमेशा पॉजिटिव है, इसे पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट लेंगे, नेगेटिव वाला स्क्वायर रूट आपको लेने की जरूरत नहीं। तो आपने देखा हमने बस डायग्राम बनाया, ज्यादा कुछ खास नहीं किया, बस डायग्राम बनाया अपने आप काम हो गया। तो डायग्राम बनाओ, पीछे की भी पढ़ी हुई चीजें अप्लाई करोगे ना तो अपने आप चीजें मैनेजेबल हो जाती है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, अगर इसे मैं कुछ चीजें बताने की आपको कोशिश करूं बच्चों कि सर्कल्स अगर बाहर से अलग अलग है, दूर दूर है तो दोनों सर्कल के सेंटर के जो डिस्टेंस है ना वो R1 R2 के सम से बड़ा होता है। ठीक है, और ऐसे सिनेरियो में चार टेंजेंट आते हैं, ये भी सीख लीजिए, ये भी आ जाता है कई बार कि ऐसे सिनेरियो में चार टेंजेंट, एक टेंजेंट चार कॉमन टेंजेंट, दो कॉमन टेंजेंट, तीसरा कॉमन टेंजेंट, चौथा कॉमन टेंजेंट, तो चार कॉमन टेंजेंट कब, जब C1 C2 और उनके साइड से बड़ा होता है बच्चों। ठीक है, और जाना है और देख लेते हैं, इसके भी क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले तो सेफ रहने के लिए पढ़ लेते हैं। अगर दोनों सर्कल बाहर से टच करते हैं बच्चों तो C कब होता है, जो कि अब इस क्वेश्चन में हुआ था कि C1 C2 के जो बीच की दूरी है ना वो दोनों रेडियस के सम के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितनी कॉमन टेंजेंट होंगे, यहाँ पर 3 कॉमन टेंजेंट होते हैं, तो 3 कॉमन टेंजेंट होते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, जब सर्कल्स ऐसे हो जाए, एक दूसरे के अंदर इंसर्ट हो जाए, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है कि सर्कल के सेंटर की जो दूरी होती है ना वो R1 R2 के सम से तो छोटी होती ही होती है, वो R1 R2 के डिफरेंस से बड़ी भी होती है। आप C1 C2 का मतलब समझ रहे होंगे ना बच्चों, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं और R1 R2 तो दोनों सर्कल के रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं हमें। तो अगर ऐसा केस होता है ना तो कितने कॉमन टेंजेंट हैं, कॉमन टेंजेंट 2 है, राइट, 2 कॉमन टेंजेंट।
फिर अगर ऐसा हो जाए कि सर्कल अंदर से एक दूसरे को टच करे, सर्कल ऐसा हो जाए बच्चों कि सर्कल्स अंदर से एक दूसरे को टच करें, तो तब होता है जब C1 C2 R1 R2 के डिफरेंस के इक्वल होता है। इस केस में एकमात्र कॉमन टेंजेंट होता है, राइट। इस केस में एकमात्र कॉमन टेंजेंट होता है। डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। इस केस में एकमात्र कॉमन टेंजेंट होता है। लास्टली बच्चों, अगर एक सर्कल दूसरे के बिल्कुल अंदर ही चला गया तो ये तब होता है जब C1 C2 ना इनके डिफरेंस से भी छोटा हो जाता है, तो एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होता है, राइट। तो इस पार्ट को आराम से आप दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि इसमें इशू हो गया, तो थोड़ा जल्दी जल्दी में हम डिस्कस करें क्योंकि क्वेश्चन रिसेंटली नहीं आए, लेकिन पहले आ चुके हैं, तो सेफली सेफ साइड पर रहने के लिए आप इनको देख लोगे तो बेहतर ही होगा आपके। इसको देखिए पहले, कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, तो देखिए जरा बच्चों यहां पर ध्यान से कि अगर सर्कल का सेंटर पहले निकालो -3, -4, दूसरे सर्कल के सेंटर को -3, -4 बोल दो, रेडियस तो आप निकाल ही सकते हो ना, 25, 7। सर्कल का सेंटर जो दूसरा वाला है वो 0.0 है और रेडियस उसका 2 है, ठीक है बच्चों। सर्कल के सेंटर के जो बीच की दूरी है वो 5 है, R1 प्लस R2 9 है और R1 माइनस R2 5 है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि सर्कल अभी अभी सॉरी इसको मैं सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ इस पार्ट को। जो दूसरा वाला सर्कल है ना उसके सेंटर को हम C1 बोल रहे हैं, तो -3, -4 सीखा हुआ है हमने कैसे निकालना, रेडियस आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले की गेम है यार, सारी कुछ खास लर्निंग नहीं हो रही, फॉर्मूले सीख रहे हैं। C2 जो है ना वो 0.0, रेडियस 2 ना, रेडियस 2 सॉरी 2, ठीक है। बाकी तो दिख रहा है आपको, राइट बच्चों, बाकी दिख रहा है। तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि C1 C2 अगर R1 R2 के इक्वल है, R1 R2 के डिफरेंस के इक्वल है, इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं, और जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होगी बच्चों, वो कॉमन टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी ना वो S1 - S2 = 0 से आ जाएगी, जो कि कॉमन क्वाड की इक्वेशन भी होती है अगर दोनों सर्कल आपस में से इंटरसेक्ट कर रहे होते तो, ठीक है बच्चों। तो दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो जो इक्वेशन है कॉमन टेंजेंट की वो आसानी से कैलकुलेशन से आप वेरीफाई कर सकते हैं। या ऐसे क्वेश्चंस में ना ध्यान रखना, ऐसी गलती मत कर देना आप, इसको -4 इधर लेकर आ जाओ फिर बात करो, ऐसी गलती मत करना। 6x + 2y - 24 + 4 = 0 मीन्स 6x + 8y - 20 = 0, ठीक है बच्चों। 2 से कैंसिल करिए, 3x + 4y - 10 = 0, राइट। 3x + 4y - 10 = 0, अब जरा डाल के देखिए तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए चेक करें तो 18 - 8 ये मैच कर रहे, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। अब बाकी मैच नहीं करने चाहिए, बाकी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करो तो 12 - 8 नहीं, ये नहीं मैच कर रहा। सी ऑप्शन चेक करो, -18 नहीं, ये नहीं मैच कर रहा, -12 ये मैच कर रहा, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो अभी जो थ्योरी सीखी थी आपको कैसे यूज हो गई, थ्योरी याद हो ना तो एप्लीकेशन इतना मुश्किल सर्कल में होता नहीं है। चलिए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ध्यान से देखिए। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट वेयर टू सर्कल्स का रेडियस दिया है, 90 डिग्री का एंगल है, तो लेंथ ऑफ कॉमन क्वाड पूछा है, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसकी थ्योरी बता देता हूँ, फिर एप्लीकेशन तो आप आराम से, फॉर्मूला 1 मिनट भी नहीं लगेगा अप्लाई करने, ठीक है बच्चों। जरा एक बार इसकी गौर करके थ्योरी देख लीजिए। तो थ्योरी ये होगी कि जो रेडियस है ये कॉमन क्वाड, राइट, ये सब तो आसानी से प्रूव कर सकते हो, ये सब तो आसानी से प्रूव कर सकते हो कि कॉमन क्वाड को ये लाइन आधे आधे में तोड़ रही है, वो सब तो कोई बड़ी बात ही नहीं। तो R1 है, ये R2 है, अगर इसको हम A B इसको D बोल दें, ठीक है, और C1 C2 बोल दें,
ठीक है बच्चों, अब जरा गौर से देखिए, 90 डिग्री का एंगल है यहाँ भी, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है ना यहाँ, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों सर्कल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दोनों सर्कल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों सर्कल्स के टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और टेंजेंट्स के बीच का एंगल मतलब नॉर्मल्स के बीच का एंगल, टेंजेंट्स के बीच का एंगल मतलब बच्चों नॉर्मल्स के बीच का एंगल, और जो रेडियस है वो खुद नॉर्मल्स है। रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों सर्कल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, सर्कल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल मतलब जहां वो टकराते हैं वहां पर उनके टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल, टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल मतलब नॉर्मल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि टेंजेंट्स के बीच का एंगल और नॉर्मल्स के बीच का एंगल सेम होता है, नॉर्मल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो जो आर वन आर टू रेडियस है वो दोनों नॉर्मल ही तो है, क्योंकि नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास करता है। ठीक है, चलिए मेन बात पर आते हैं, ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल सी वन ए सी टू, एरिया जब निकालेंगे बच्चों आप तो हाफ इंटू आर वन इंटू आर टू से एरिया निकल जाएगा, ठीक है, हाफ इंटू आर वन इंटू आर टू से एरिया निकल जाएगा, राइट, इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं, क्लियर, हाफ इंटू आर वन इंटू आर टू से एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर, यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आर वन इंटू आर टू से आपका एरिया निकल जाएगा, और आपका जो एरिया है बच्चों, आपका जो एरिया है वो हाफ इंटू ए डी इंटू सी वन सी टू भी है, आपका जो एरिया है वो हाफ इंटू सी वन सी टू भी है। जरा गौर से ट्राइंगल को देखिएगा, तो जो सी वन सी टू है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अंडर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, इसको समझने में कोई खास परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए, राइट, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो जरा सी वन सी टू को बच्चों देखिए, सी वन सी टू की जो वैल्यू है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर है ना, क्योंकि ट्राइंगल सी वन ए सी टू में, ट्राइंगल सी वन ए सी टू में सी वन सी टू हाइपोटेन्यूस है, ट्राइंगल सी वन ए सी टू में सी वन सी टू हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर तो अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर हो जाएगा ना, तो सी वन सी टू आप आराम से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों जरा गौर से देखिए, ये हाफ इंटू ए डी जो है वो खुद ही हाफ इंटू ए बी है, ये आपने क्लास टेंथ में बड़ी आसानी से इसको प्रूफ किया होगा, हम बार बार प्रूफ नहीं करें, एडी आधा है ए बी का, ए बी क्या है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ, ए बी कॉमन कॉर्ड की लेंथ, एडी उस लेंथ का आधा है, तो हमने ट्राइंगल के एरिया को दो तरीके से निकालने की कोशिश की, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल के एरिया को रिजेंबल कर रहे हैं, तो हम दोनों एरिया को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, कौन से दोनों एरिया को बच्चों, हाफ इंटू आर वन इंटू आर टू, और दोनों ट्रायंगल के एरियाज हैं तो दोनों को आपस में हम इक्वेट कर सकते हैं ना, करना ही चाहिए रादर, इसका मतलब हाफ इंटू आर वन इंटू आर टू इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, एक हाफ से एक हाफ चला जाएगा बच्चों, और ए बी की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी टू आर वन आर टू डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। तो मैथ्स में आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आइडिया है ना, एक ही एरिया को दो टाइप से फाइंड करना, ये बहुत बार यूज होता है, एक बार आपने आइडिया सीख लिया ना तो उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें क्या किया हमने, एक ही ट्रायंगल के एरिया को दो टाइप से फाइंड किया, और इस बात को यूज किया कि जो एडी है ना वो एबी का आधा है, इसे आराम से ज्योमेट्रिकली आप प्रूव कर सकते हो, खास बड़ी बात है नहीं बच्चों आपकी। ठीक है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है इस रिजल्ट को, आप याद कर लीजिए, ध्यान रखना कि रिजल्ट तभी काम आएगा जब दोनों सर्कल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जैसा कि इस केस में। तो बस हो गया क्वेश्चन, आर वन फाइव है, आर टू ट्वेल्व है, फॉर्मूले में डालना ही तो है, राइट, कुछ बचा क्या, आर वन फाइव आर टू ट्वेल्व कुछ खास बचा ही नहीं करने के लिए, फॉर्मेलिटी निभा देते हैं, तो आर वन फाइव है आर टू ट्वेल्व है, तो यहाँ रफ पर ए बी फाइंड कर लीजिए, क्या है, टू इंटू फाइव इंटू ट्वेल्व ओवर थर्टीन, तो 120 ओवर 13 आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट बच्चों। तो सर्कल में जैसा कि हमने बोला था, सर्कल में थ्योरी आप एक बार समझ जाओगे ना, क्वेश्चन सॉल्विंग में खास परेशानी नहीं आती है जैसे कि बाकी अलजेब्रा या कुछ और चैप्टर्स में आती है, तो ये मैथ्स का ना वो वाला पार्ट है जिसमें स्कोर किया जा सकता है, ऑलमोस्ट श्योर शॉट चांस है कि सर्कल, कॉनिक सेक्शन, थ्री डी ज्योमेट्री, ये सब कुछ पोर्शन ऐसे हैं कि जिसका क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, एडवांस में भी बनता है, मेंस में तो 100% बनता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्कल का क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली एग्जाम में करके आओगे, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मिलकर, हम फिर आगे फर्दर कुछ चैप्टर्स में मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन।